दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल कल तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। वो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। उससे पहले केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके साथ ही केजरीवाल की ओर से मेहमानों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। दिल्ली में निवर्तमान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक टीचर, स्कूल के हेड, चपरासी, छात्र, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर, सिग्नेचर ब्रिज के आर्किटेक्ट्स, बसों की सुरक्षा करने वाले गार्ड्स गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में दिल्ली आगे बढ़ी है और बढ़ती ही जाएगी। आपको बता दें कि केजरीवाल के साथ उनका मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा। मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि कल जब शपथ ग्रहण होगा तो उस वक्त विशेष मेहमान जो 50 मैंने बताया, एक अलग से स्टेज पर मुख्यमंत्री जी के साथ स्टेज पर जो लोग रहेंगे दिल्ली के निर्माता, तो दिल्ली के निर्माता पे विशेष रूप से अध्यापक बैठेंगे, हेड ऑफ द स्कूल्स बैठेंगे, स्कूल के पियोन को बिठाया जाएगा, स्कूल के जो पियोन हैं जो स्कूल की साफ सफाई से लेके स्कूल की व्यवस्था देखते हैं, छात्र जिनको जय भीम योजना का फायदा मिला और जो आगे जाके दिल्ली में बड़ा योगदान करेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करके, वो भी उनको रिप्रेजेंट करेंगे। डॉक्टर्स होंगे मोहल्ला क्लिनिक के, जो वहां पूरे डॉक्टर्स को, मेडिकल फैटर्निटी को रिप्रेजेंट करेंगे। बाइक एम्बुलेंस जो चलाते हैं और बहुत लोगों की सेवा की है पिछले कुछ सालों में, जिन्होंने गली गलियों में जाके, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल भी उसी तरह से बहुत सक्सेसफुल होंगे जैसे पिछले 5 साल रहे। वहीं केजरीवाल के शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल कल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ स्टेज पर जो 50 मेहमान बैठेंगे वो दिल्ली के अलग अलग सेक्टर के लोग होंगे, जिनके साथ मिलकर अब पिछले 5 साल आम आदमी पार्टी ने काम किया और अगले 5 साल उन्हीं के साथ मिलकर काम करके दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। इसमें व्यापारी होंगे, वकील होंगे, DTC बस के कर्मचारी होंगे, किसान होंगे, शिक्षा जगत से जुड़े लोग होंगे, आंगनबाड़ी से जुड़े, यानी हर सेक्टर के लोगों को चुन के वहां पे बुलाया गया है जो अलग अलग सेक्टर का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहां पे मौजूद रहेंगे। मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि इस बार का चुनाव शिक्षा को बुनियाद बनाकर लड़ा गया है। दिल्ली ने देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति सिलाई है, इसलिए शिक्षा जगत के से जुड़े लोग स्टेज पर रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे और साथ साथ स्कूल कि में सफाई का काम करने वाले प्यून तक भी मौजूद रहेंगे। वो बच्चे रहेंगे जिन्होंने इतिहास रचा सरकारी स्कूल के, वो बच्चे जो मेडल जीते हैं, टॉप किया, IIT के एग्ज़ाम टॉप किए हैं और खेल की दुनिया जगत में सरकारी स्कूल का नाम रोशन किया, वो सभी बच्चे मौजूद रहेंगे। यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया कि उनके जो विशेष मेहमान होंगे वो दिल्ली के वो लोग होंगे जिनके साथ मिलकर दिल्ली को और बेहतर और सुनहरा बनाया जाएगा। कैमरामैन राजेश बानिया के साथ इमरान खान, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।